मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे रीवा रियासत की कहानी। मध्य प्रदेश का रीवा एक समय में भारत की सबसे बड़ी और ताकतवर रियासतों में से एक हुआ करता था। रीवा जो है वो बाघेलखंड रीजन में स्थित है। बाघेलखंड का अर्थ है बाघेलों का रीजन या इवन बाघों का रीजन, लैंड ऑफ द टाइगर्स। इंटरेस्टिंगली जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जो अपने टाइगर्स के लिए बहुत ही फेमस है, उसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक जाते हैं, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि इस बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बीचों बीच एक किला स्थित है, बांधवगढ़, जिसकी वजह से इस नेशनल पार्क को नाम मिलता है। और इस बांधवगढ़ का रीवा रियासत के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो ये रिश्ता समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा फार एंटिक्विटी में, ऑलमोस्ट 2-3 हजार साल पहले। ये जो बाघेलखंड का रीजन है वो अराउंड 3000 साल पहले या से 2300 साल पहले घने जंगल हुआ करता था। यहाँ पे लोकल ट्राइब्स रहा करते थे। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पे आयन और मिलता था, जिसकी वजह से जो आयन एज सेटलमेंट्स थे, जिससे कि वो आयन के ये बनाते थे, इम्प्लीमेंट्स बनाते थे और वो सब, तो वो यहाँ पे पनपे थे। अब इंटरेस्टिंगली जो अगर आप इसका जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो जो मौर्य काल है उस समय की जो इम्पोर्टेंट सिटीज थी, जैसे कि काशी, प्रयाग या फिर इवन पाटलिपुत्र, वहाँ से अगर आपको विदिशा और उज्जैन जाना होता था तो आपको ये रूट से पास होना होता था। अब मौर्य काल की हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह हमें रीवा में मिलती है, वो है सतना के पास। अब उस सतना जो है वो रीवा रियासत का एक पार्ट हुआ करता था। तो सतना में ही एक बौद्ध स्तूप का हमें अवशेष मिले हैं अंग्रेजों को, जिसे बहरूट स्तूपा कहा जाता है, क्योंकि ये बहरूट जगह में मिले हैं। और बहरूट जो है वो भारत के सबसे ब्यूटीफुल स्तूप में माना जाता है। अभी तो वहाँ पे कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जब उत्खनन हुआ तो उसके जो ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स और पैनल्स मिले थे वो ब्रिटिश म्यूजियम और अलग अलग म्यूजियम्स में हैं। बट द फैक्ट इज कि इस जगह पे, इस रोहिलखंड के बीचों बीच सतना के पास इन ब्यूटीफुल पैनल्स का मिलना, जिसमें समृद्ध लोग दर्शाए गए हैं, बौद्ध धर्म के लोग दर्शाए गए हैं, ये सब मिलना, ये हमें बताता है कि जो मौर्य काल है, सम्राट अशोक का काल है, उस समय यहाँ पे रोहिलखंड में, इवन दो ये जंगल था, इसमें इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट्स, ट्रेडिंग सेटलमेंट्स हुआ करती थी, एक प्रॉस्परस एरिया थी। इंटरेस्टिंगली इवन जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें भी ये रेफरेंस मिलता है कि जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है और काशी प्रयाग का जो एरिया है उसके दक्षिण का जो प्रांत है, उन जंगलों में हाथी काफी तादाद में मिलते हैं, और बाकी जंगली जानवर और उनके जो फर, जिसे हम बोलते हैं एनिमल हाइड्स और फर, तो उसका व्यापार काफी होता है। और इनफैक्ट अगले ऑलमोस्ट 1000 साल तक, इवन मुगलों के आने तक, हमें ये भी रेफरेंसेस मिलते हैं कि यहाँ पे हाथी जो थे वो हाथियों को फिर कैप्चर करके उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था। जैसे कि उत्तर भारत में जो आर्मीज, अगर किसी को हाथी उनकी चाहिए होती थी तो हाथियों को पकड़ के एक एक्सपोर्ट, वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ एलिफेंट ट्रेड भी कहा जा सकता है। एनिमल से ही जुड़ा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अब बांधवगढ़ जो है, जो बांधवगढ़ का किला है, अनफॉर्चुनेटली आज टूरिस्ट वहां पे नहीं जा सकते क्योंकि ये नेशनल पार्क के कोर एरिया में पाया जाता है। तो ये जो किला है वो बहुत ऑलमोस्ट 1700 साल पुराना है, और यहाँ के जो लोकल माघ करके एक छोटी सी रूलिंग डिनेस्टी थी, मे बी वो एक रूलिंग ट्राइब रहे होंगे, उनका एक फोर्टिफिकेशन था। और फिर आगे चल के कालचूरी साम्राज्य हो गया, फिर बाघेल राजवंश हो गया, उन्होंने फिर उसको बढ़ाया और उसको एक पावरफुल फोर्ट्रेस में तब्दील किया। पर हमें इनफैक्ट बांधवगढ़ में भी बौद्ध गुफाएं, बांधवगढ़ इनफैक्ट जो किला है उसके नीचे ही वो गुफाएं मिलती है, जहाँ पे आज
शेर और काफी जानवर वहां पे अपना घर बनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो काशी है वहां से जो विदिशा और उज्जैन जाने वाले मार्ग पर होने के कारण बांधवगढ़ एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेटलमेंट था और ऑब्वियसली उसका एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी था। तो इसीलिए फिर काफी जो लोकल यहाँ की जो डिनेस्टीज थी उन्होंने इस पर कब्जा करके राज किया और इस पे अपना हमेशा अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की। मांग राजाओं के बाद यहाँ पे कालचूरी राजाओं का राज हुआ। भारत के इतिहास में जो कालाचूरी राजा हैं उन उनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, बट उन्होंने काफी यहाँ पे मंदिरों का निर्माण किया। और इनफैक्ट बांधवगढ़ में एक ब्यूटिफुल शेषाशायी विष्णु या स्लीपिंग विष्णु, अनंत विष्णु जिसे हम कहते हैं, उसकी ये मूर्ति है, वो इसी कालाचुरी राजाओं के समय की है। कालाचुरियों का राज खत्म होने के बाद फिर बाकी डिनेस्टीज यहाँ पे रूल करने लगे। पर ये जो मेन जो बाघेल डिनेस्टी है, जो रीवा राज परिवार है, उसका इतिहास शुरू होता है 1140 से। अब कहानी ये है कि जो रीवा रॉयल फैमिली है वो उसके जो पूर्वज थे वो ओरिजिनली गुजरात से थे। अब ये बाघेल जो शब्द है उसके ना अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकाले हैं और अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी ये कहती है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर हमला किया था तो जो वाघेला जो राजपूत थे वहां के, और या कुछ ये भी कहते हैं कि वाघेला नाम का गांव था, वहां से ये राजपूत आकर रीवा में बस गए थे, इसलिए उनका नाम बाघेल पड़ा। कुछ और कहते हैं कि बिकॉज वो बाघों की तरह शक्तिशाली थे इसलिए उनको बाघेल कहा जाता था। तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं, हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली ये जो बाघेल शब्द है वो कहाँ से आया। और फिर इसी बाघेल राज परिवार के कारण इस पूरे क्षेत्र का नाम बाघेल खंड पड़ा। अब 1140 में जब ये परिवार यहाँ पर आया तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग ट्राइब्स हुआ करते थे। तो पहले ये जो परिवार है उसने बांधवगढ़ पे अपना कब्जा जमाया, अपना वर्चस्व स्थापन किया और फिर बाद में अपनी टेरिटरी को बढ़ाते रहे। एक बात तो ये थी कि क्योंकि ये मेन जो इम्पोर्टेंट मार्गों पर नहीं आता था, क्योंकि ये एक अंदर की तरफ था थोड़ा, जैसे कि ये इंडो गैंजेटिक प्लेन में नहीं था, ये दक्षिणा पथ पे नहीं था, ये एक जिसे हम आज कहते हैं ना इंटीरियर का इलाका, तो ये इंटीरियर का इलाका होने के कारण जो दिल्ली के जो शासक थे उन्हें इस एरिया पर इतने हमले करने का उनको इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें तो सिर्फ लगान चाहिए था, उनको ट्रिब्यूट चाहिए था। तो हमें ये रेफरेंसेस मिलते हैं कि जो तुगलक शासक थे, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने रीवा पर एक मतलब ट्रिब्यूट जमाने की कोशिश की और रीवा के राजा ने उनको ट्रिब्यूट दिया, वो रेफरेंसेस मिलते हैं। फिर आगे चल के जब दिल्ली सल्तनत टूटा तब अलग अलग राज्यों में उसका बंटवारा हो गया और एक राज्य था कालपी का राज्य। तो कालपी जो है, जो झांसी के उत्तर में है, उत्तर प्रदेश में आता है कालपी, वो एक समय एक सल्तनत हुआ करता था। तो हमें ये रेफरेंसेस मिलते हैं कि जो कालपी सल्तनत है और ये जो बाघेलखंड के जो राजा है उनके बीच में काफी झड़पें हुआ करती थी। अगेन ओरछा और ये जो पूरा क्षेत्र है वो बुंदेला राजाओं के अंडर आता था। तो फिर बुंदेलास और जो बाघेल राजा हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी और फाइनली द बाघेल राजा और दक्षिण में उसके ये जो गोंड, जो आज का जो छत्तीसगढ़ इलाका है जहाँ पे गोंड राजाओं का राज था, वहाँ पे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, तो उनके नेबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। बट इसेंशली ये जो दिल्ली दरबार है, जो दिल्ली के शासक है, उन्हें इस पूरे क्षेत्र में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। हमें ये रेफरेंसेस मिलते हैं कि मुगल शासक हुमायूं जो है उन्होंने जो बाघेलखंड है उस पर कब्जा करने की कोशिश की और फाइनली 1850
इट वॉज बादशाह अकबर जिन्होंने फाइनली जो बाघेलों का राज है उस पर अटैक किया एंड उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जो महाराजा रामचंद्र सिंह थे बाघेला, महाराजा रामचंद्र सिंह बाघेला जो थे वो अकबर के कंटेम्प्ररी थे और उन्होंने एक दोस्ती का करार साइन किया। अब महाराजा रामचंद्र सिंह के रीवा राज्य या मैं कहूँगा बाघेलखंड राज से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि बादशाह अकबर को अगर रीवा से सबसे ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो उनके जो नव रत्न थे उसमें से दो बहुत इम्पॉर्टेंट रत्न तानसेन द फेमस सिंगर और बीरबल जो बहुत फेमस उनके मंत्री थे और अकबर बीरबल की कहानियाँ बहुत फेमस हैं, ये दोनों तानसेन और बीरबल दोनों रीवा दरबार में नौकरी किया करते थे और रामचंद्र सिंह के दरबार में थे और अकबर ने महाराजा रीवा को ये कहा कि आप इन दोनों को हमारे दरबार में भेजिए। जो तानसेन जो थे क्योंकि वो रीवा दरबार में थे, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट म्यूजिक ट्रेडिशन पनपी और 1947 तक रीवा के जो राजा है उन्होंने म्यूजिक और आर्ट और लर्निंग को बहुत प्रोत्साहन दिया। हमें ये भी पता लगता है कि वाराणसी से इवन मिथिला जो बिहार का जो रीजन है वहाँ से काफ़ी पंडित संस्कृत पंडित और महामहोपाध्याय रीवा में आते थे, रीवा दरबार से उन्हें सपोर्ट मिलता था। तो इवन दो ये एक हम कह सकते हैं जंगल वाला एरिया था पर यहाँ पे एक इट वाज ऑलवेज अ सेंटर ऑफ कल्चर, हाई कल्चर सपोर्टेड बाय द प्रिंसली कोर्ट, राज दरबार से सपोर्ट किया हुआ एक शाही कल्चर। बादशाह अकबर के कार्यकाल के बाद हमें ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं कि मुगल बादशाहों ने यू नो फ्रॉम जहांगीर टू औरंगजेब ने यहाँ पे इंटरफियर किया ज़्यादा रीवा के एडमिनिस्ट्रेशन में। इनफैक्ट यहाँ के जो राजा थे वो अपना अपना राज चलाते थे। अब मुगल साम्राज्य टूटने के बाद क्या हुआ, जो इस पूरे क्षेत्र का जो जियोपॉलिटिक्स है वो बदलने लगा। दक्षिण में जो नागपुरकर भोसले हैं वो अपना राज्य एक्सपांड कर रहे थे, जो महाकोसाल रीजन है मध्य भारत का और जो छत्तीसगढ़ है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था नागपुरकर भोसले ने, और लिटरली उनकी बॉर्डर नागपुरकर भोसले की बॉर्डर और रीवा की बॉर्डर ज्वाइन होती थी तो उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए थे। और उत्तर में जो अवध और वाराणसी का जो क्षेत्र था वहाँ पे नवाब अवध के नवाब थे और धीरे धीरे अंग्रेजों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अपना एक कंट्रोल जम रहा था। तो अब रीवा के तीनों तरफ एक्सपैंडिंग पावरफुल मिलिट्री पावर्स डेवलप हो रही थी और तीन तरफ से रीवा को खतरा था। अब कुछ ऐसे भी इवेंट्स हुए जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस किस्सा है राजा बनारस के राजा चैत सिंह का। बनारस के राजा चैत सिंह जो थे उनका और वॉरेन हेस्टिंग्स का झगड़ा हो गया था और इनफैक्ट जब वॉरेन हेस्टिंग्स बनारस गए थे तो वहाँ पर उठाव हुआ और फिर राजा चैत सिंह को वहाँ से निकलना पड़ा, तब राजा चैत सिंह ने रीवा में शरण ली थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अंग्रेजों का जो रीवा है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा। अब ये 1781 की बात है और रीवा के जो राजा थे वो बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत ही इंडिपेंडेंट थे और उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि अंग्रेज आकर इंटरफेयर करे। तो अंग्रेजों ने कोशिश की रीवा पे इंटरफेयर करने की बट उन्हें खदेड़ा गया। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि उस समय जो पिंडारी थे, जो पिंडारीज जो थे हम कह सकते हैं गैंग्स थी, डकोइट्स की गैंग्स जो सेंट्रल इंडिया में बहुत लूटपाट मचाते थे, फिर ठग जिसे हम ठग्गी उस समय कहा जाता था वो भी मर्डरर्स थे। तो एक 1790s के काल में 1800s की शुरुआत में जो मध्य प्रदेश है ना वहाँ पे एक काफ़ी लॉलेसनेस का एक सिचुएशन हुआ और ये पिंडारी आते थे लूट के चले जाते थे, ठग आते थे और लोगों का
कत्ल करते थे, चोरियां करते थे, तो बहुत डिफिकल्ट एक समय था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सबके लिए, जो इंडियन राजास थे उनके लिए भी और अंग्रेजों के लिए भी। पर जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो रीवा के राजा थे वो बहुत ही इंडिपेंडेंट थे, तो 1812 से 1822 तक 10 साल देर वॉज अ लॉट ऑफ नेगोसिएशंस, इन्होंने रिवोल्ट करने की कोशिश की, अंग्रेज ताकत को रेजिस्ट करने की कोशिश की, बट फाइनली 1822 में ही फिर रीवा जो है वो एक फुल लाइक प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश सुजरेनिटी हो गई। अब आगे चल के 1857 में जब महाराजा रघुराज सिंह रीवा के गद्दी पर थे, तब भारत में उठाव हुआ। जैसे कि आप जानते हैं झांसी, कालपी, अलाहाबाद, मेरठ, यहाँ पे बहुत बड़ा विद्रोह हो गया, मतलब लिटरली टू साइड्स ऑफ द बॉर्डर ऑफ रीवा स्टेट, और इनफैक्ट नागपुर जो सेंट्रल प्रोविंसेस है वहाँ पे भी रिवोल्ट हुआ। तो उस समय रीवा में भी कुछ जगहों पे उठाव हुआ, कुछ ठाकुरों ने यहाँ पे उठाव किया, बट रीवा के जो महाराजा रघुराज सिंह जो थे वो अंग्रेजों से लॉयल थे, और फाइनली 1857 और 1858 में ये जो रिवोल्ट कुचल दिया गया। महाराजा रघुराज सिंह जो थे, अगर आप उनके फोटोग्राफ्स देखिए तो बहुत ही इम्प्रेसिव लुकिंग थे। इनफैक्ट अभी भी जब महाराजाओं के ऊपर किताबें लिखी जाती हैं तो उनका एक बहुत ही फेमस और आइकॉनिक फोटो है, वो एकदम बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज में बैठे हुए हैं और मेकअप के साथ, तो वो फोटो बहुत ही पॉपुलर है। पर अनफॉर्चुनेटली महाराजा रघुराज सिंह जो थे वो इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, और उस समय रीवा जो स्टेट है वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था, और अंग्रेजों ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बिठाया था स्टेट को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए। महाराजा रघुराज सिंह के बाद उनके बेटे महाराजा वेंकट रमन सिंह जो है वो रीवा के राजा बने। वो कंपैरेटिवली एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके कार्यकाल में यहाँ पर स्कूल खोले गए, यहाँ पर सड़कें बनाई गई, यहाँ पे जो मार्केट के हार्ट हैं वो खोले गए, और उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि जो रीवा की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसे स्टेबलाइज किया जा सके। पहले विश्व युद्ध के दौरान जो 1914 और 1918 में लड़ा गया, रीवा स्टेट जो है उसने अंग्रेजों की काफ़ी मदद की, उन्होंने ट्रूप्स के साथ और जो इक्विपमेंट है उसके साथ उनको मदद करने की कोशिश की, जिसकी वजह से महाराजा वेंकट रमन सिंह को अंग्रेजों ने काफ़ी ओहदे दिए, प्रिविलेजेस दिए, और रीवा का एक प्रेस्टीज बढ़ा। महाराजा वेंकट रमन सिंह के बाद उनके जो बेटे थे महाराजा गुलाब सिंह, वो रीवा की गद्दी पर बैठे। महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो काफ़ी, जिसे हम कहते हैं अथॉरिटेरियन रूलर थे, डिक्टेटोरियल, जैसे हम जानते हैं अभी व्लादिमीर पुतिन जो काफ़ी चर्चा में आए हैं, तो ऐसे ही ऑटोक्रेटिक रूलर थे। उन्होंने जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है रीवा का वो सेंट्रलाइज किया, बट उनकी एक बात अच्छी थी, और जैसे हम देखते हैं कि पुतिन के साथ भी जैसे वही हुआ, उन्होंने इवन दो सारी अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली, उन्होंने रीवा का काफ़ी विकास किया। तो उनके टाइम पे जो कोल माइंस है रीवा में, जो रीवा कोल फील्ड्स हैं उन्हें डेवलप किया गया, रेलवे लाइंस की स्थापना की गई ताकि व्यापार बढ़ सके, जो कस्टम्स और जो रेवेन्यू सिस्टम है उसे ठीक किया गया, बैंक ऑफ बाघेलखंड करके एक बैंक स्टार्ट किया गया। तो महाराजा गुलाब सिंह के दौरान काफ़ी इकोनॉमिक प्रोग्रेस रीवा का हुआ, और जो एक बैंकरप्ट स्टेट था वो एक समृद्ध स्टेट बनने लगा। बट ये समय, ये 1920s 1930s का वो भी समय था जब इंडिया डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा था। कांग्रेस पूरे भारत में जो मुक्ति आंदोलन, वहाँ पे जो देश की आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए आंदोलन चल रहा था, और उस समय एक ऑटोक्रेटिक रूलर को ऑब्वियसली काफ़ी ऑपोजिशन फेस करनी पड़ती थी, तो उसकी वजह से एक काफ़ी
कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे शुरू होने लगे, बिकॉज द रूलर वॉन्टेड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑटोक्रेटिक और पीपल वॉन्टेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स. तो उसकी वजह से इतनी खींचातानी हुई, इतने झगड़े हुए, इतनी इंट्रीग्स हुई कि फाइनली अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि वो महाराजा गुलाब सिंह को गद्दी से हटाकर उनके जो बेटे हैं महाराजा मार्तंड सिंह उन्हें गद्दी पर बिठाएंगे. और फिर लेट 1940s में महाराजा गुलाब सिंह को गद्दी से हटाकर उनके बेटे महाराजा मार्तंड सिंह को रीवा का महाराजा बनाया गया. उसके बाद जो महाराजा गुलाब सिंह महाराजा गुलाब सिंह जो थे ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे और बहुत ही पॉलिटिकल सैवी आदमी थे. तो भारत का जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो सारी रियासतें विलीन होने लगी और जो रीवा रियासत है उसे ये जो बुंदेलखंड की जो बाकी रियासत है उनके साथ ज्वाइन करके एक विंध्य प्रदेश बनाया गया. और उस समय महाराजा गुलाब सिंह जो है उन्होंने काफ़ी आंदोलन चलाए रीवा के मर्जर के खिलाफ एंड ऑल, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही स्मार्टली इन आंदोलनों को दबा दिया. महाराजा गुलाब सिंह की 1951 में बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से उनका निधन हो गया. अपेरेंटली ये कहा जाता है कि वो सुबह जो नेपियन मुंबई का नेपियन सी रोड है वहाँ के बीकानेर हाउस में रह रहे थे और वो टेरेस पर गए और टेरेस से गिर गए, सडनली नीचे गिर गए, टेरेस से गिर के उनकी मौत हो गई. अब ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि आप टेरेस पे जाते हो और सडनली आप वहाँ से गिर के यू नो आपकी मृत्यु हो जाती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें नहीं पता है क्या हुआ था. महाराजा मार्तंड सिंह है रीवा के, जो रीवा के आखिरी शासक थे, वो बहुत ही वेल रेड, वेल ट्रैवल्ड और इंटेलिजेंट आदमी थे, बट वो उन्होंने राज शासन ज़्यादा काल तक नहीं किया बिकॉज रियासत मर्ज हो गई थी. उनके कार्यकाल से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1951 में उन्हें एक वाइट टाइगर का कब मिला था जिसे मोहन उन्होंने नाम दिया था और उनका एक पैलेस है गोबिंदगढ़, वहाँ पर इस मोहन को रखा गया. और 1953 में मोहन को एक और एक वाइट टाइगर, फीमेल वाइट टाइगर बेगम करके थी, उसके साथ मेट किया गया. और ये जो मोहन और बेगम है, जो दो मेल और फीमेल वाइट टाइगर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी वाइट निकले. और तब से ये जो लैंड ऑफ द वाइट टाइगर्स और जो वाइट टाइगर्स ऑफ रीवा की जो ट्रेडिशन है वो तब से शुरू हुई है. इनफैक्ट 1950s की ये बात है और तब से रीवा को लैंड ऑफ द वाइट टाइगर्स कहा जाता है. महाराजा मार्तंड सिंह जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे और उन्होंने अपनी जो जनता है उनके लिए काफ़ी कार्य किया. उसके बाद उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो आज भी रीवा में रहते हैं, आज भी यहाँ की जनता से जुड़े हुए हैं. उनका जो महल है वो एक म्यूज़ियम है और जो रीवा का जो बाघेल राज परिवार है वो आज भी अपने ट्रेडिशंस और कल्चर संभाले हुए हैं. तो मेरी आशा यही है कि रीवा रियासत का इतिहास जानने के बाद अगर आप कभी बांधवगढ़ जाएं तो रीवा ज़रूर जाएं और यहाँ इस पूरे क्षेत्र का जो रिच इतिहास है उसे ज़रूर जानें. तो ये थी कहानी रीवा रियासत.